उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के सरकारी स्कूल में छात्रों ने हंगामा किया है। परीक्षा फल अच्छा ना होने के कारण छात्रों में आक्रोश था। छात्रों ने स्कूल की दरियों में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया है। छात्रों के पथराव में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। हालातों पर काबू पाने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करती छात्राओं का कहना है करीब 10,000 बच्चों में 200 छात्र ही पास किए गए हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार शिक्षा पर करोड़ों का बजट खर्च कर राजधानी में बेहतर शिक्षा के दावे कर रही हो, लेकिन इस बार फेल हुए छात्रों को देखकर लग रहा है कि सरकार का शिक्षा पर खर्च बेकार हुआ है या फिर वो केवल कागजी कार्रवाई में ही सिमट कर रह गया है। बच्चों का वो था, बच्चों का जो फेल वेल हो रहे थे उसके क्या हुआ फिर उसके बाद यहाँ तो वो बाहर बच्चों ने पत्थर फेंक दिया, कुछ सिर नहीं लगता।